So in this video we will be discussing about a JavaScript और जो JavaScript है हम उसका second video है ये. अब JavaScript के अंदर अभी इस video के अंदर we are not covering the topics but rather we are just telling कि JavaScript से हम क्या-क्या कर सकते हैं. So what are all the things that we can do from the JavaScript. Now I've taken some of the slides or most of the content of this video from W3 Schools website. So if you want the written content of this slide, then you can either go to our website www.digimentor.com or you can also go to W3 Schools aur wahan se bhi aap is presentation ka content le sakte hain. So this presentation is about what JavaScript can do. So obviously abhi jo hai topics mein zyada in depth nahi padha raha hu, bas abhi hum log ye dekh rahe hain ki JavaScript se aap kya kya kar sakte hain aur usse kuch examples. तो सबसे पहले है जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द एचटीएमएल कंटेंट. तो किसी भी एचटीएमएल जो कंटेंट है हम उसको जावास्क्रिप्ट से चेंज कर सकते हैं. जैसे कि जावास्क्रिप्ट में एक मेथड है हमारे पास गेट एलिमेंट बाय आईडी. कोई भी एचटीएमएल का कंटेंट है हम उसको आईडी से लेंगे और उससे कंटेंट को हम चेंज कर सकते हैं. कहने का मतलब क्या है, देखिए आपके पास कोई भी एचटीएमएल का कंटेंट है, जैसे कि एचटीएमएल का पेज होता है, अगर आप एचटीएमएल का पेज जनरली ऐसे स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल से और फिर एचटीएमएल का पेज जो है वो इस तरीके से एंड होता है /html. अब एचटीएमएल के पेज के अंदर कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपके पास एक हेडर होता है तो उसका कॉन्टेंट आप यहाँ लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे /header. उसी तरीके से हमारे पास बॉडी होती है, यानी कि जहाँ पर आप एचटीएमएल के पेज का डिस्क्रिप्शन या स्ट्रक्चर देते हैं और उसके लिए आपके पास एक बॉडी का एंडिंग टैग होता है. अब इसके अंदर काफ़ी सारे HTML एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास टेबल एक HTML एलिमेंट है, हमारे पास लिस्ट HTML एलिमेंट है, उसी तरीके से आपके पास पैराग्राफ्स HTML एलिमेंट है, इटैलिक HTML एलिमेंट है. तो किसी भी HTML एलिमेंट के साथ हम कुछ आईडी को असाइन कर सकते हैं, जैसे कि इसको हमने एक आईडी असाइन कर दी हिमू. सो किसी भी HTML एलिमेंट के साथ हम किसी आईडी को असाइन कर सकते हैं और इस आईडी को हम बाद में कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस जावास्क्रिप्ट और इस आईडी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम उसको चेंज कर सकते हैं. जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर हमने एक HTML का पेज लिखा है. सो यू कैन सी दिस इज़ द HTML स्टार्टिंग एंड दिस इज़ द एंडिंग और ये HTML की बॉडी है. तो बॉडी का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग हमारे पास है, उसके बाद हमने पेज को हेडिंग दी है विच इज़ इन H2 और यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ लिखा है जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल कंटेंट और पैराग्राफ की जो आईडी है वो हमने दिया है डेमो. अब ध्यान दो, हमने एक बटन को बनाया. सो ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट को पढ़ने से पहले आपको एचटीएमएल के बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है. तो यहाँ पर हमने एक बटन को बनाया और जब हम बटन पर क्लिक करेंगे उस केस में हमने जावास्क्रिप्ट को कॉल किया. तो ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट है और इस जावास्क्रिप्ट में हम बोल रहे हैं कि हमारे पास जहाँ पर भी डेमो एक आईडी है उस जगह पर आप उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा है उसको चेंज कर दो हेलो जावास्क्रिप्ट के अंदर. ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ. अब यहाँ पर चेक करो, ये जो आपके पास एचटीएमएल का जो हमने कोड लिखा है इससे हमारे पास इस तरीके का ये जो एक लेफ्ट साइड की तरफ एक पेज है, तो ये जो लेफ्ट साइड की तरफ जो पेज है इस तरीके का पेज हमारे पास शो होगा. अब इस पेज के अंदर हमारे पास शो कर रहा है व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू और निचारा जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द एचटीएमएल कंटेंट और फिर हमारे पास एक है यहाँ पर क्लिक मी. तो ये जो क्लिक मी है ये एक बटन है, बिकॉज आप चेक कर सकते हो प्रीवियस पीपीटी के अंदर हमने यहाँ पर एक बटन को बनाया था. तो ये हमने बताया था बटन टाइप, एक बटन को हमने बनाया था और वहाँ पर हमने क्लिक मी का ऑप्शन दिया था. सो बेसिकली जब आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पर एक बटन हमने बनाया था जिसके अंदर लिखा था क्लिक मी. जब यूज़र इस क्लिक मी पर क्लिक करेगा, यानी कि इस पर क्लिक करेगा इस बटन पर, तो ये जो कॉन्टेंट है ये वाला कॉन्टेंट चेंज होकर इस तरीके का एक कॉन्टेंट हमारे सामने आ जाएगा. ठीक है, तो जो जावास्क्रिप्ट है उसकी हेल्प से हम किसी एचटीएमएल टैग के अंदर जो भी कंटेंट है हम उस कंटेंट को चेंज कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ एक्शन. जैसे कि यहाँ पर जो एक्शन परफॉर्म किया गया है वो है बटन क्लिक. तो हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो जो एक्शन परफॉर्म होगा वो इस एचटीएमएल के अंदर इस ये जो हमारे पास टैग था, स्टार्टिंग पैराग्राफ टैग था और एंडिंग पैराग्राफ टैग के अंदर जो भी कॉन्टेंट था हमने उसको चेंज करके यहाँ पर कर दिया है हेलो जावास्क्रिप्ट. अब ऐसे ही ये जो कोड है आप उसकी वर्किंग को दिखा रहा है. तो यहाँ पर जो आपके पास ये बटन है ये कोड से ये आपके पास एक पैराग्राफ है तो ये पैराग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, ये आपके पास H2 हेडिंग है वो H2 हेडिंग यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है और ये जो बटन है ये बटन आप देख सकते हो वो यहाँ पर
रिप्रेजेंट हो रहा है। सो जैसे ही कोई क्लिक में करेगा, यानी कि जैसे ही कोई इस बटन पे क्लिक करेगा, तो ये जो कंटेंट है पूरा, ये पूरा का पूरा कंटेंट चेंज हो जाएगा और इस कंटेंट के अंदर अब आ जाएगा हमारे पास हेलो जावास्क्रिप्ट। बिकॉज हमने बताया कि इसका जो कंटेंट है वो चेंज करके आप हेलो जावास्क्रिप्ट कर दीजिए, वो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है। और इस तरीके से कंटेंट चेंज हो सकता है, यानी कि किसी भी हम जैसे हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट के टैग्स हैं, इनकी हेल्प से हम किसी एचटीएमएल पेज के, यानी कि जो एचटीएमएल का जो टैग है उसके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। दूसरा, अब जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन दोनों अलाउड है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, यहाँ पर देखिए जावास्क्रिप्ट का कोड है। इस जावास्क्रिप्ट के कोड में जो हमने जिस एचटीएमएल टैग को हमने रेफ़र किया है उसको हमने रेफ़र किया है डबल कोटेशन मार्क से। यहाँ पर भी जो हमने यूज़ किया है वो भी डबल कोटेशन मार्क है। अब जावास्क्रिप्ट जो है वो डबल कोटेशन मार्क एज वेल एज सिंगल कोटेशन मार्क दोनों को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर इस जावास्क्रिप्ट में आप डबल कोटेशन की जगह पर सिंगल कोटेशन मार्क भी दे सकते थे, और इस जगह पर जहाँ पर हमने स्ट्रिंग को दिया था यहाँ पर डबल कोटेशन की जगह पर सिंगल कोटेशन मार्क को भी हम दे सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट जो है डबल कोटेशन एज वेल एज सिंगल कोटेशन दोनों यूज़ करता है। अब दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा है कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल एट्रीब्यूट वैल्यू। देखो पहले क्या था कि किसी टैग के बीच की वैल्यू को चेंज कर सकता था, अब उसने बोला कि किसी एचटीएमएल के एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज कर सकता है। यहाँ पर हमने एक H2 हेडिंग ली है, उसके अलावा हमारे पास एक पैराग्राफ है, दिस इज़ द सेकेंड पैराग्राफ, और यहाँ पर हमने एक बटन क्लिक का ऑप्शन दिया। तो जैसे ही बटन क्लिक होगा उस केस में हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, यानी कि इस डॉक्यूमेंट में जहाँ पर भी हमारे पास माई इमेज एक एलिमेंट की आईडी, जहाँ पर भी माई इमेज है उसको हमने लिया, और जैसे ही उसने इस बटन पे क्लिक करेगा तो एक फ़ोटो शो होगी जहाँ पर हमारे पास जो पिक है वो बल्ब की है जो ऑन है। यानी कि अगर यहाँ पर टर्न ऑन द लाइट पे क्लिक करेगा पर्सन तो एक बल्ब होगा जो कि टर्न ऑन हो जाएगा। टर्न ऑन कैसे होगा, बिकॉज हमने उसके अंदर पिक्चर को चेंज किया है, तो जो सोर्स है हमने सिर्फ इस सोर्स को चेंज किया है। उसी तरीके से जब भी कोई यूज़र उस बटन पे यहाँ पर क्लिक करेगा, ये कोई दूसरा बटन हमने बनाया, जैसे ही वो यहाँ पर क्लिक करेगा तो जो बटन है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको इसका दिखाता हूँ, फिर कोड दिखाता हूँ कैसे काम करेगा। जैसे कि ये हमारे पास एक वेब पेज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक वेब पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस वेब पेज पर हमने ये एक कॉन्टेंट यूज़ किया, ये H2 हेडिंग के अंदर है। ये वाला कॉन्टेंट पहला फर्स्ट पैराग्राफ है, ये वाला कंटेंट आपका सेकंड पैराग्राफ है। अब ये जो बटन्स है हमारे पास, जो फर्स्ट बटन है उस पर बटन है हमारे पास टर्न ऑन द लाइट, और हमारे पास एक नॉर्मल इमेज है, ये एक बल्ब नहीं है एक्चुअली, ये एक इमेज है। और जैसे ही कोई पर्सन इस टर्न ऑन द लाइट पे क्लिक करेगा तो ये इमेज चेंज हो जाएगी और इसकी जगह पर हमारे पास इस तरह की एक इमेज शो होगी। जैसे ही कोई पर्सन टर्न ऑफ द लाइट पे क्लिक करेगा तो ये जो इमेज है डायरेक्टली दोबारा से इस तरीके से यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी आपका थर्ड एग्जांपल है। इस एग्जांपल में वी आर सेइंग द जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल स्टाइल्स। सो बेसिकली हमारे पास एक एचटीएमएल का वेब पेज होगा, इस एचटीएमएल के वेब पेज के अंदर हमारे पास जो एचटीएमएल टैग्स होते हैं वो इस वेब पेज को एक तरीके से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमने यूज़ किए हैं और उसका वेब पेज का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब जनरली हम इस एचटीएमएल वेब पेज को कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ CSS, जिसको बोलते हैं हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इस कैस्केडिंग स्टाइल शीट का काम है कि जो भी यहाँ पर HTML टैग्स हमने यूज़ किए हैं ये उनको स्टाइल्स देता है कि उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, क्या उसका स्टाइल होगा। अब इस वेब पेज के अंदर, HTML वेब पेज के अंदर हम लोग यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट का कोड एम्बेड कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस जावास्क्रिप्ट कोड जो भी हमारे पास स्टाइल इस CSS शीट से डिफाइंड है हम उस स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि किसी एलिमेंट के स्टाइल को भी चेंज किया जा सकता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारे पास एक H2 हेडिंग है, दिस इज़ व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू। फिर हमने एक पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ के अंदर हमारे पास आईडी है डेमो। अब एक हमने बटन क्लिक बनाया, अब यहाँ पर बोला है कि जब भी हम इस बटन को क्लिक करेंगे उस केस में जहाँ पर भी हमारी आईडी डेमो है उस केस में फॉन्ट का जो साइज़ है वो चेंज कर 35 कर दीजिए, यानी कि जो इस का जो फॉन्ट का साइज़ है, इसका फॉन्ट का साइज़ डिफाइंड है CSS शीट के अंदर, अब जो भी इसका साइज़ है उसको चेंज कर के आप 35 कर दीजिए। ठीक है, तो एग्जांपल क्या होगा कि ये आपके पास H2 हेडिंग है, उसके बाद ये आपका पैराग्राफ है और ये आपका बटन है, और इस पैराग्राफ का जो नाम है वो है डेमो। अब जैसे ही कोई पर्सन इस पर क्लिक करेगा इस बटन पे तो इसका जो साइज़ है वो चेंज होकर साइज़ हो जाएगा यहाँ पर 35 पिक्सल्स। तो इस तरीके से हम किसी भी जावास्क्रिप्ट
की हेल्प से हम किसी भी HTML वेब पेज के अंदर, जिसके अंदर वो जावास्क्रिप्ट इंक्लूडेड है, वहाँ पर हम किसी टेक्स्ट का या किसी कैस्केडिंग स्टाइल शीट में जो भी साइज स्टाइल प्रोवाइड किया है उस स्टाइल को भी चेंज किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, जावास्क्रिप्ट कैन हाइड HTML एलिमेंट्स, यानी कि किसी HTML एलिमेंट को अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर चेक करें कि हमारे पास एक H2 हेडिंग का कुछ H2 हेडिंग है, उसके बाद हमारे पास एक पैराग्राफ है और उसकी ID है डेमो। अब यहाँ पर हमने बोला है कि एक बटन हमने बनाया और उस बटन को जब हम क्लिक करेंगे तो उस केस में सबसे पहले तो हम उस HTML टैग को लेंगे जिसकी ID डेमो है, उसके बाद style.display इज इक्वल टू नन, तो उसका जो डिस्प्ले स्टाइल है, देखो जो स्टाइल है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट में डिफाइन होगा, तो उसका जो डिस्प्ले स्टाइल है उसको नन कर दिया, यानी कि अब ये जो बटन है ये शो अप नहीं, ये जो टेक्स्ट है शो नहीं होगा। सो वेरी सिंपल एग्जांपल, ये आपके पास दिस इज़ योर H2 हेडिंग, दिस इज़ योर पैराग्राफ एंड दिस इज़ योर बटन। अब जैसे ही कोई पर्सन इस बटन पे क्लिक करेगा तो जो पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ आपके पास यहाँ पर गायब हो जाएगा, यानी कि इस पैराग्राफ को हम शो नहीं करेंगे, यानी कि डिस्प्ले नहीं करेंगे, बिकॉज हमने बोला डिस्प्ले स्टाइल इज इक्वल टू नल। अब उसके बाद हम किसी HTML पैराग्राफ को शो भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास गिवन है ये H2 हेडिंग है, ये पैराग्राफ है और ये हमने एक पैराग्राफ की ID रखी है डेमो, और उसका जो स्टाइल है वो हमने किया नन, और ये जो स्टाइल है बेसिकली कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी कि CSS के अंदर डिफाइन होगा। अब कोई पर्सन जैसे ही उस पर क्लिक करेगा, उस केस में हम इस पैराग्राफ को लेंगे जहाँ पर ID डेमो है, हम उस पैराग्राफ को लेंगे और वहाँ पर जो भी स्टाइल यूज़ किया गया है डिस्प्ले का, उस स्टाइल को चेंज करके हम कर देंगे ब्लॉक। तो यानी कि ये जो ब्लॉक है बेसिकली ये जो नाम है ये हमारे CSS के अंदर डिफाइंड है, तो जो भी नेम होगा हम उस जो भी फंक्शन परफॉर्म होगा तो उस केस में हम इसको शो करेंगे। अगर आप इसको चेक करेंगे तो हमारे पास पहले ये H2 हेडिंग आपके पास आ रही है, ये आपके पास एक पैराग्राफ है और ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ था आपके पास, और यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसको हमने शो नहीं किया था बिकॉज डिस्प्ले यहाँ पर नन था, और ये आपका बटन क्लिक है। जैसे ही यूज़र इस बटन को क्लिक करेगा तो हम लोग इस पैराग्राफ के पास जाएंगे और यहाँ पर ये जो डिस्प्ले स्टाइल है इसको चेंज करके हमने ब्लॉक नन से कर दिया ब्लॉक, तो यानी कि ये जो पैराग्राफ है आपका शो हो जाएगा और यहाँ पर आप किसी HTML एलिमेंट जिसको हमने हाइड किया था उसको भी शो अप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल था कि जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकता है। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर ज़्यादा आपको ये बताने की कोशिश नहीं की है कि आप इस तरह की जावास्क्रिप्ट को कैसे लिखेंगे, बस एक सिंपल एग्जांपल है कि जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं, थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा और कंटेंट हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।